So let us see how do you calculate index cost of acquisition if the assets have been acquired from previous owner in mode given under section 49 subsection 1. एक तो ये हो सकता है कि एक दो लोग थे ए और बी, ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी ने ए को कैश पे कर दिया. दूसरा क्या होता है, कुछ एसेट्स ट्रांसफर होते हैं सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 में, मतलब नॉट अंडर दिस सेक्शन बट सम ऑफ द मोड्स आर गिवन फॉर ट्रांसफर अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1. मान लीजिए देर वॉज अ पर्सन हु इज अ फादर, ही हैज अ सन. The father died and some of the shares which he was owning went to his son under inheritance. In cases में क्या होता है कि एक तरह से कोई voluntary transfer नहीं है और कोई intention भी नहीं था, ये तो move on कर गए. अब इस case में tax लगाना थोड़ा गलत हो सकता है, provided son का कोई intention ही नहीं था इसको बेचने का या उस करने का. तो लॉ में क्या प्रोविजन होते हैं कि आप कैपिटल गेन इस पॉइंट पे नहीं लगाते, आप कैपिटल गेन तब लगाते हैं जब सन इसको बेच देता है. सपोज द फादर परचेज सम शेयर्स इन 2002, ड्यू टू इनहेरिटेंस इन 2006 द शेयर्स गॉट ट्रांसफर टू द सन एंड द सन सोल्ड द शेयर्स इन 2010. इस केस में जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कैसे निकलेगा, इसमें आप ये देखेंगे कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द प्रीवियस ओनर, यानी हु इज द प्रीवियस ओनर, फादर. सो 2002 का जो इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो आप देखेंगे ऑफ द फादर इनटू सीआईआई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर. किस साल का ट्रांसफर, कब हुआ, दो बार ट्रांसफर हुआ है, एक जब फादर से सन पे गया और सन का ने बेचा, बट ट्रांसफर की हम बात करते हैं जब यह एक्चुअली में किसी को बेचा गया है, तो 2010. इसका जो भी CII होगा डिवाइड बाय CII ऑफ द ईयर इन विच द फर्स्ट एसेट इज फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी. अब आपके दिमाग में एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि असेसी, विल दैट असेसी बी द सन और द फादर. देर हैज बीन अ डिबेट ऑन दिस एंड द बेटर व्यू विच हैज बीन अग्रीड बाय द कोर्ट्स इज दैट असेसी हेयर शुड रेफर टू द फादर. मतलब जो प्रीवियस ओनर था उसने जब ये एसेट पहली बार ओन किया था, कब ओन किया इसने पहली बार, 2002 में, उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आप कंसिडर करेंगे. नाउ जस्ट लाइक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देर इज ऑल्सो अ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड इफ इट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म देन देर इज एन इंडेक्सेशन ऑफ सच कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. इंडेक्सेशन हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हुए ही होगा, शॉर्ट टर्म में कोई इंडेक्सेशन नहीं होता. अब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी जो है वो या तो असेसी ने खुद किया होगा या हो सकता है किसी प्रीवियस ओनर ने किया हो. पहले असेसी का देखते हैं. असेसी ने अगर कोई इम्प्रूवमेंट किया है विच हैज बीन मेड ऑन और आफ्टर 1/4/2001, उस केस में आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेंगे इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल में एसएससी ने उसको बेचा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द इम्प्रूवमेंट टुक प्लेस. अगर आपने एसेट 2002 में परचेज किया, इम्प्रूवमेंट जो है 2006 में किया और बेचा 2010 में, तो ये 2010 होगा और ये 2006 होगा. अगर इम्प्रूवमेंट इस डेट से पहले का है वो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स. क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन एनी केस आपको ऑप्शन मिलता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने का या फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑन 1/4/2001. अजम्पशन ये है कि अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 में ले ली तो वो फेयर मार्केट वैल्यू इस इम्प्रूवमेंट को कंसिडर करने के बाद होती है. सो इन केस ऑफ एसएससी हिमसेल्फ, अगर 1/4/2001 वाला केस है तो इस तरह कैलकुलेट होगा, उससे पहले का है इट विल बी जीरो. बट अगर प्रीवियस ओनर ने कोई इम्प्रूवमेंट किया है फिर उसको कैसे देखेंगे, इम्प्रूवमेंट मेड बाय द प्रीवियस ओनर
where asset is acquired through any mode given under section 49(1). Then it will be cost of improvement incurred by the previous owner into CII of the year of transfer divided by CII of the year in which the CO cost of improvement is incurred by the previous owner. अब नॉन रेजिडेंट के केस में कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने के कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं और इन प्रोविजंस का इम्पोर्टेंस इसलिए भी हो जाता है क्योंकि नॉन रेजिडेंट के केस में उसके अगर आप देखें, मान लीजिए आई विल गिव यू एन एग्जांपल हियर, सपोज एक नॉन रेजिडेंट ने $100 का कोई एसेट खरीदा और उसने $120 का बेच दिया। अगर मैं यहाँ सिंपली इसका गेन देखूं तो वो कितना होगा, 120 माइनस 100, $20। पर एक चीज जो हम इसमें भूल जाते हैं वो ये है कि जब इसने $100 का खरीदा था और $120 का बेचा, ये परचेज तो एसेट इसने इंडियन रुपीज में किया था, अगर इंडियन एसेट है तो। अगर इंडियन रुपीज में परचेज किया था तो हो सकता है जब इसने $100 में खरीदा और $120 का बेचा, मतलब अगर डॉलर टू डॉलर है तो ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब रुपीज में बेचा और खरीदा तो हो सकता है इसको कम, 120 नहीं $110 ही मिले। क्यों? क्योंकि डॉलर जो है उसके रेट में फ्लक्चुएशन हो गई। इन चीज़ों को कंसिडर करने के लिए जो नॉन रेजिडेंट है उनके केस में कुछ स्पेसिफाइड एसेट में, सब एसेट्स में नहीं, कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स में कुछ स्पेशल मेथड्स लगते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के। इसके अलावा कहीं कहीं पर क्या होता है कि उनको एक फ्लैट रेट भी दिया जाता है कैपिटल गेन्स टैक्स का। ये सब चीज़ें अब हम इस स्लाइड में और इसके बाद वाली स्लाइड्स में देखेंगे। सो देर आर स्पेशल मेथड्स फॉर करेंसी फ्लक्चुएशन इन केस ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स। व्हेन आई से शेयर्स और डिबेंचर्स, दीज शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर ऑफ एन इंडियन कंपनी। And there is a special method for currency fluctuation in case of rupee denominated bond. अगर किसी इंडियन कंपनी ने कोई रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू किया है किसी नॉन रेजिडेंट को, इसमें अगर करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ गेन या लॉस होता है जब ये रिडीम होते हैं, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है। इसके अलावा जो बाकी केसेस होते हैं, जो रिमेनिंग केसेस हैं, वहाँ पर जैसे बाकी सब केसेस में कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल प्रोविजंस लग जाएंगे। सो इफ द टैक्स हैज टू बी कैलकुलेटेड फॉर दीज टू, देर आर स्पेशल मेथड्स। इफ देर इज एनी थिंग विच डज नॉट फॉल हियर एंड देर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इनकम, देन द नॉर्मल मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स विच इज एप्लीकेबल टू रेजिडेंट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू नॉन रेजिडेंट। फर्स्ट प्रोवाइजो टू रूल टू सेक्शन 48 read with rule 115A. Before I get to the legal part of it, look at the facts here. There is a non-resident. He has invested into shares or debentures of an Indian company. Now, when a non-resident purchases shares or debentures, the purchase is normally in dollars. Why dollar? Because iske paas rupee mein to income hogi nahi. Ya to ye dollar deke rupees lega aur fir khareedega. राइट, अनलेस इसकी कोई सब्सिडरी हो, इंडियन कंपनी परचेज कर रही हो, लेकिन अगर इसकी अपनी सब्सिडरी है और वो परचेज करती है शेयर, फिर तो ये इंडिया टू इंडिया ट्रांजैक्शन हो गया, उसमें नॉन रेजिडेंट वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे। तो जब इसने शेयर और डिबेंचर्स परचेज किए डॉलर में, जब इसने बेचे, हो सकता है इसको जो पैसा मिला वो रुपीज में मिले। अब कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए आपको इन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। किस बेसिस पे आप ये डॉलर में कैलकुलेट करेंगे या किस बेसिस पे ये डॉलर की देखी जाएगी, ये आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 रेड विद रूल 115A में बताया है। कैपिटल गेन्स अराइजिंग टू अ नॉन रेजिडेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। अगर नॉन रेजिडेंट किसी फॉरेन कंपनी के शेयर डिबेंचर ट्रांसफर कर रहे हैं, तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। इट इज ओनली एप्लीकेबल वेन ही इज ट्रांसफरिंग द शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी।
shall be computed by methodology under first proviso to section 48. Provided such shares or debentures were acquired by utilizing the foreign currency. ये provision तभी applicable है अगर आपने जब ये shares और debentures purchase किए थे ये originally dollar में purchase किए या किसी foreign currency में dollar के अलावा purchase किए. So three conditions which are there. One is that the transferor is a non-resident. Second is capital gains should arise on transfer of shares or debentures of an Indian company. अब ये जो shares और debentures की हम बात कर रहे हैं ये listed भी हो सकते हैं unlisted भी हो सकते हैं. It doesn't matter. As long as these shares and debentures are of an Indian company, it can be either listed or unlisted. Shares or debentures were acquired by utilizing foreign currency. जो आपने initial purchase की थी वो एक foreign currency में की थी. अगर ये तीनों condition satisfy होती हैं तब आप section 48 में fall करेंगे. So what is the method of computing capital gains under this first proviso to section 48? How do you calculate gains? Let us look at that. तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए हमें कैसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है. बेसिकली आपकी सेल्स कंसिडरेशन होती है उसमें से आप क्या माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस उसमें से और क्या माइनस करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर. मेथड यहाँ पर भी सेम है. इशू सिर्फ ये है कि जो सेल्स कंसिडरेशन है वो कैसे कैलकुलेट होगी क्योंकि एक से ज़्यादा करेंसी इन्वॉल्व है. जैसा मैंने आपसे कहा ये प्रोविजन सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आपने शेयर्स या डिबेंचर्स किसी इंडियन कंपनी के खरीदे हो. कैसे खरीदे हो फॉरेन करेंसी यूटिलाइज करके. तो चलिए मान लीजिए अपने इस एग्जांपल के लिए कि जो फॉरेन करेंसी इनिशियली यूटिलाइज करी थी हमने परचेज करने के लिए शेयर वो US डॉलर थी राइट. अब हम देखते हैं कि हम एक एक करके इनको कैसे कंसिडर करेंगे. कन्वर्ट द सेल्स कंसिडरेशन टू फॉरेन करेंसी यूज टू एक्वायर शेयर्स और डिबेंचर्स. मान लीजिए आपकी सेल्स कंसिडरेशन जो है वो कितनी है 10 लाख रुपए. तो पहला चीज आप क्या करेंगे आप इस सेल्स कंसिडरेशन को कन्वर्ट करेंगे किस चीज में. कन्वर्ट सेल्स कंसिडरेशन टू फॉरेन करेंसी used to acquire shares or debentures. तो sales consideration क्या है 10 lakh divide by. तो इसके लिए कैसे होगा divide sales consideration by average foreign currency rate. Now what is the meaning of this average foreign currency rate and what date it has to be considered. So the average foreign currency rate has to be considered on the date of transfer. जिस दिन आपने ये shares transfer किए उस दिन का आपको एवरेज फॉरेन करेंसी रेट देखना पड़ेगा. एवरेज फॉरेन करेंसी रेट जो होता है वो होता है टीटी बाइंग रेट प्लस टीटी सेलिंग रेट डिवाइड बाय 2. ये टीटी बाइंग रेट क्या होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पे फॉरेन एक्सचेंज खरीदता है उसको टीटी बाइंग रेट बोलते हैं जिस पे वो बेचते हैं उसको टीटी सेलिंग रेट बोलते हैं. जिस डेट को यह आपने ट्रांसफर किया उस डेट का यह रेट आपको लेना पड़ेगा. आप बैंक में जा सकते हैं वहाँ एक एप्लीकेशन देंगे तो आपको वो ये रेट दे देते हैं और उसको 2 से डिवाइड करके मान लीजिए ये रेट आपका आता है 50. ठीक है आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन इजी नंबर. सो यू विल डिवाइड द सेल्स कंसिडरेशन बाय 50 एंड यू विल गेट द इक्विवेलेंट डॉलर अमाउंट. सो लेट्स से दिस कम्स टू 20,000 डॉलर. अब मेरी सेल्स कंसिडरेशन थी 10 लाख रुपये लेकिन ये डॉलर में आ गई कितनी 20,000. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कन्वर्ट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू फॉरेन करेंसी यूज्ड टू एक्वायर शेयर्स और डिबेंचर्स. आपने जब ये खरीदे थे ओरिजिनल करेंसी जो थी राइट जिसमें ये शेयर खरीदे थे उसमें ट्रांसफर करिए. कैसे होगा डिवाइड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाय एवरेज फॉरेन करेंसी रेट और ये कौन सी डेट का होगा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. जिस डेट में आपने शेयर्स एक्वायर किए थे
उस डेट में आप इसका एवरेज रेट निकालेंगे। मान लीजिए उस डेट का रेट 40 था और आपने कितने के खरीदे थे, आपने 4 लाख के ये खरीदे थे, तो 4 लाख डिवाइड बाय 40 $10,000। सिमिलरली इवन द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द सेम करेंसी व्हिच वाज यूटिलाइज्ड टू एक्वायर द शेयर्स। लेट्स से दिस इज 2000, सो योर कैपिटल गेन विल बी हाउ मच, 20 + 30, 20 - 12, 8000। अब इंडिया में टैक्स पे करना है तो आप डॉलर में तो कर नहीं सकते, तो आपको इसको वापस रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि आप इसको रेट कौन सा लेंगे, सो जो रेट इसमें अप्लाई होगा, तो चलिए अभी पहले मैं आपको यहाँ तक इसको रखते हैं, रेट के लिए वी विल जस्ट गो बैक व्हेन वी गेट टू दैट पॉइंट। ओके, एक्सपेंडिचर का जो मैंने आपसे बताया था, कन्वर्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन ट्रांसफर टू फॉरेन करेंसी यूज टू एक्वायर देम, एंड हाउ डू यू डू दैट, यू डू इट बाय वे ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। लेट्स से ये 1 लाख रुपए था आपका और एवरेज फॉरेन करेंसी रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये हमने कितना अज्यूम किया था, 50, तो लेट्स से ये $2,000 आपका एक्सपेंडिचर आ गया जो मैंने पीछे कम कर दिया था। तो मेरा ये सब करने के बाद $8,000 का प्रॉफिट आ गया। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँगा किस चीज़ में, इंडियन रुपीज़ में, क्योंकि इंडिया में टैक्स तो आप INR में ही देंगे ना, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा, दिस इज वेर इट इज, द कैपिटल गेन कंप्यूटेड इन फॉरेन करेंसी अंडर स्टेप 4, हाउ मच वॉज दैट, $8,000, शैल बी रिकन्वर्टेड टू इंडियन करेंसी, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर शैल बी यूज टू रिकन्वर्ट कैपिटल गेन्स इन फॉरेन करेंसी इन टू इंडियन करेंसी। हमने सेल्स कंसिडरेशन कैसे निकाली थी, TT बाइंग रेट प्लस TT सेलिंग रेट डिवाइड बाय 2, एंड दिस वॉज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये जो TT बाइंग रेट आपने सेल कंसिडरेशन वाला लिया था, आप इस रेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मेरा एवरेज 50 आया था, ये मान लीजिए ये 55 है, 55 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मेरा आंसर होगा वो 4,40,000 जो है, दिस विल बी माय कैपिटल गेन इन इंडियन रुपीस। नाउ वन थिंग विच यू वुड हैव नोटिस हियर इज, हमने यहाँ पर ये कैलकुलेशन करते वक्त इंडेक्सेशन नहीं लिया। जहाँ पर भी कैलकुलेशन इस प्रोविजो में होती है, देर इज नो इंडेक्सेशन अवेलेबल इन दोज केसेस। सम ऑफ द पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, एक बार रिपीटेशन होगी बट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड शेयर्स और डिबेंचर्स। So when I say debentures, if you want, you can again add here of an Indian company. It is not applicable on transfer of bonds and units of mutual funds. Benefit of indexation shall not be available. जैसा मैंने अभी आपसे बताया था, चाहे ये long term हो चाहे short term हो, indexation नहीं मिलेगा। Capital gains arising on transfer of equity shares acquired on or after October 1, 2004 shall be exempt from tax if security transaction tax is chargeable not only at the time of transfer but also at the time of acquisition of shares. Listed shares mein agar ye long term hote hain to inme capital gain nahi lagta. Right? Listed long term. There is no capital gain on that. But ab condition ye hai कि ये तभी नहीं लगेगा जब आपने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हो, कब, बाय करते वक्त और सेल करते वक्त। अगर आपने ये शेयर्स एक्वायर किए हैं कब, ऑन और आफ्टर October 1, 2004, तभी ये एग्जेम्पशन आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अफोर्सेड मैनर ऑफ कॉम्पिटिंग कैपिटल गेन्स shall be applicable in respect of capital gain accruing or arising from every reinvestment thereafter. मतलब अगर आप ये shares बेचते हैं, इसकी proceeds कहीं और लगा देते हैं और फिर उस पर आपको capital gain होता है, यही manner of computation आपका applicable होगा।
कन्वर्जन रेट्स वैसे हमने डिस्कस कर लिए, सेल्स कंसिडरेशन, एवरेज ऑफ टी टी बाइंग एंड टी टी सेलिंग रेट ऑफ करेंसी यूज टू एक्वायर शेयर, वॉट डेट, डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर और डिवेंचर्स. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगेन एवरेज ऑफ टी टी बाइंग एंड टी टी सेलिंग, बट विच डेट, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर और डिवेंचर्स. एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, अगेन सेम रेट बट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर. कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब फाइनली आपने सेल्स माइनस कॉस्ट माइनस एक्सपेंस कर दिया, जो भी डॉलर में रेट होगा उसको टी टी बाइंग रेट लगाएंगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर और डिवेंचर्स, राइट. टी टी बाइंग टी टी सेलिंग रेट मैंने आपको बताया, ये वो रेट होते हैं जिसपे द रेट और रेट्स ऑफ एक्सचेंज अडॉप्टेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर बाइंग फॉरेन करेंसी. सेलिंग, जो रेट पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन करेंसी सेल करता है, कौन सी करेंसी, जिसका आप कन्वर्जन कर रहे हैं. एलेक्स, अ नॉन रेजिडेंट, परचेज 50,000 शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर ऑन 30/6/2010 बाई यूटिलाइजिंग USD. इनिशियल फॉरेन करेंसी मेरी क्या हो गई, US डॉलर्स. 50,000 शेयर मैंने 20 रुपये में परचेज किए, यानी मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया, 10 लाख. दीज शेयर आर सोल्ड एट 50 पर शेयर ऑन 31/3/2017. 50,000 शेयर मैंने 50 रुपये में बेचे, यानी मेरा सेल्स कंसिडरेशन कितना हो गया, 25 लाख. हाउ, 50,000 × 50. द टी टी बाइंग एंड सेलिंग रेट इन US डॉलर्स अडॉप्टेड बाई SBI ऑन वेरियस डेटेज एज फॉलोज. तो 30/6/2010 कौन सी रेट थी, दिस वॉज डेट ऑफ एक्विजिशन. एवरेज रेट मेरा क्या हो गया, 60+50/2, 55. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू हियर ओनली. ये क्या है, डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ ट्रांसफर. इस दिन एवरेज रेट क्या है, 45+55, 100/2, 50. कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर AY 17-18 इन बोथ USD एंड INR ऑन द अजम्पशन दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ सच शेयर आर नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38. अगर ये एग्जेम्प्ट नहीं है तो पहला स्टेप क्या होगा मेरा, जो भी मेरी सेल्स कंसिडरेशन है इसको मैं कन्वर्ट करूँगा US डॉलर में. कन्वर्जन के लिए मैं रेट क्या लूँगा, द एवरेज टी टी बाइंग एंड टी टी सेलिंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. डेट ऑफ ट्रांसफर में मेरा एवरेज रेट क्या है, 50, सो इट विल बी 25 लाख/50, राइट. सो दिस विल बी $50,000, राइट. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस डेट के हिसाब से लूंगा मैं, फॉर द डेट ऑफ एक्विजिशन. यहां मेरा एवरेज रेट क्या है, 55. सो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन US डॉलर विल बी हाउ मच, 10 लाख/55. अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको देखना पड़ेगा, बट सेल कंसिडरेशन मेरी आ गई 50,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया मेरा 10 लाख/55. इफ आई डू द कैलकुलेशन, लेट अस बोथ डू इट ऑन द कैलकुलेटर, मे बी दिस विल कम टू 18,181.81 डॉलर. तो मेरा कैपिटल गेन कितना होगा, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर तो यहां पर है ही नहीं, राइट. सो इफ यू सॉल्व दिस व्हाट डू यू गेट 31,818.19 एज द कैपिटल गेन. अब ये तो आ गया कैपिटल गेन डॉलर्स में, मुझे INR में भी निकालना है. उसके लिए कौन सा रेट लेते हैं, टी टी बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 45. हाउ मच डू वी गेट, वी गेट 14,31,818 एज द आंसर. सो माई कैपिटल गेन इन डॉलर इज दिस, माई कैपिटल गेन इन INR इज, सो द आंसर इज द सेम, इट इज 31,818.18 डॉलर्स और 14,31,818.